स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीवीएन ई लर्निंग क्लासेस। आई एम ललित कुमार एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स सब्जेक्ट्स। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैंने आपको पहले भी इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके अंदर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट किए जाते हैं किसी सर्टेन डिस्टेंस के द्वारा। तो हमने यहाँ पे ले रखा है, दिस इज द माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, सेपरेटेड बाई ए टू ए डिस्टेंस। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। इक्वेटोरियल लाइन बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर भी होगा वो उस लाइन के ऊपर और उसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, टू इक्वल पोर्शंस में डिवाइड भी कर रहा होगा। तो आप यहां पे देखो, जैसा मैंने दिखाया हुआ है, जो हमारी ये लाइन है, दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओवर द इलेक्ट्रिक डायपोल। लेट इट इज ए एंड इट इज बी, सो इट इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ए बी। ओके, तो इस तरीके से अब हमें, क्योंकि इस लाइन के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हमने इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी यहां पर ले लिया, कंसीडर कर लिया, जो जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू ए। लेट पी इज ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट डिस्टेंस आर, दिस इज द आर डिस्टेंस। थोड़ा सा सेपरेट करके बनाएं ताकि आगे जाके हमें कॉम्पोनेंट्स वगैरह दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दिस इज द आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ पॉइंट। आफ्टर दैट हमें स्टार्ट करना है, उसके बाद ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां पी पॉइंट के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट किया था और किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ रही थी, तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेस्ट चार्ज लेते थे और टेस्ट चार्ज है द पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है बेसिकली, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स रहेगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो इसलिए जो क्यू, जो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी के ऊपर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी ये। आपके समझ में आया? इसको मैंने कंसीडर कर लिया ई वन। ओके, तो राइट डाउन, लेट ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू माइनस क्यू। इन द सेम वे आई कैन से ई टू, ई टू क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्रिएट होगी। तो ये भी पॉजिटिव है और यहां पर जो टेस्ट चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स। तो यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी बीपी डायरेक्शन में, तो इसको हमें आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा एंड दिस इज द ई टू। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बीपी, रिपल्सन फोर्स है, तो इससे पी पॉइंट वाले पे जो टेस्ट चार्ज है उसको रिपेल किया जाएगा, दूर की साइड पुश किया जाएगा। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन ई टू आ गई। ओके, सो ई टू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू। इस तरीके से हमने निकाल लिया इसको। अब इसके बाद दो फील्ड, अभी इनका हम एक बार मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट ई वन बेसिकली क्या हो गया, ये के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यही तो फॉर्मूला होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस होती थी दोनों के बीच में। तो यहां पर माइनस क्यू और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को क्या कहा है हमने? ए पी। आई थिंक आप समझ गए होंगे।
अब इस एपी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और जैसा कि मैंने आपको एक्सियल लाइन वाले केस में बताया था कि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे किसमें, इन टर्म्स ऑफ द ए एंड आर। ए और आर क्यों? क्योंकि तो हमें वो इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ देगा प्लस में पी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस देगा, तो इन दोनों की टर्म में हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहां 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इट मींस इट इज परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल बन गई हमारी, पी ए ओ जो है हमारी परपेंडिकुलर ट्राइंगल बन गई। और वहां पर जो हमारा पी ए है, या मैं कहूं ए पी है, दैट इज व्हाट, दैट इज द हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दैट ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ए ओ क्या है हमारा, ए, ओ पी क्या है, ओ पी दैट इज आर। तो इस तरीके से हमने ए पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो इसीलिए हम यहां पर लिख देंगे के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए यहां पे भी हमें स्क्वायर की नीड थी, यहां पे जो वैल्यू निकाली है वो भी हमने स्क्वायर में निकाली है, तो अब हमें ये वैल्यू एज इट इज ही पुट करनी है, इसमें कोई भी हमें पावर वगैरह लेने की जरूरत नहीं, इसको आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा डेरिवेशन है और फिजिक्स के अंदर मैथ्स को एज ए टूल हम यूज करते हैं, तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बताया था। तो इस तरीके से ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया E1 का, इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग PA, यही है ना, इसकी डायरेक्शन PA, अलोंग PA। आफ्टर दैट E2, E2 को फाइंड आउट करने के लिए फिर दोबारा से हमें बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लगाना पड़ेगा, KQ, और डिस्टेंस क्या है हमारी, BP, जो कि प्लस क्यू और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, BP का स्क्वायर। अगेन अब हमें BP दोबारा से करना है, तो सेम केस हो जाएगा दोबारा से, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस हमारी R है, हाइपोटेनस निकालना है, तो सेम वे में BP स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख रहा हूं क्योंकि लास्ट केस में मैं आपको समझा चुका हूं, एक्सप्लेन मैंने किया है आपको। तो इस तरीके से E2 का भी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया, इसकी डायरेक्शन क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, दैट इज इन BP डायरेक्शन, BP अलोंग BP, ठीक है, डायरेक्शन भी लिख सकते हो आप साथ में, डायरेक्शन डायरेक्शन। अब दो वेक्टर कॉम्पोनेंट हमें मिल गए E1 और E2 के, बट वो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, तो यहां पर केस अराइज होता है कि हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने अब तक अधिकतर जगह पे जो यूज किया था फॉर्मूला वो क्या किया था, पैरेललोग्राम लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो रिजल्टेंट मेरा जो निकलेगा दैट विल बी द E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1E2 cos थीटा। हम E1 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, E2 की भी निकाल लेंगे, यहां से भी निकल जाएगी, बट cos ये हमें थीटा की वैल्यू नहीं दी जाएगी और हम इसको कैसे भी फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे, तो दैट्स द रीजन कि हम ये पैरेललोग्राम लॉ इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में आया होगा, मैं दोबारा बताता हूं कि E1 E2 की वैल्यूज तो हम यहां से निकाल लेंगे, सारी चीजें हमें गिवन है, के क्यू ए आर एवरीथिंग वी नो, बट यहां पर थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता, तो उस वजह से कॉस थीटा की वैल्यू नहीं निकलेगी और हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले को यहां पर पुट अप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को 2-2 कॉम्पोनेंट्स में डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले E1 को हम एक्सप्रेस करते हैं, E1 इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया इसका हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट और ये हो गया इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट, दिस इज E1 cos थीटा, दिस इज E1 sin थीटा। देखिए जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको साइन थीटा से की मल्टीप्लाई कर देते हैं
और जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है उसमें cos थीटा की मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बिकम e1 cos थीटा e1 sin थीटा फॉर द वर्टिकल कंपोनेंट। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहां से आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड जो है हमारा e1 और e2 दोनों का ही सेम है, k q अपॉन a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर, k q अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो e1 और e2 की लेंथ भी हमने सेम ही रिप्रेजेंट की है। ओके, आप इसको सेम ही लेंथ के साथ दिखाएं और हमें माइंड में भी रखना है कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन ही डिफरेंट है। तो इस तरीके से हमारा जो E1 है वो दो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसी तरीके से E2 को हम रिप्रेजेंट करें टू कॉम्पोनेंट्स में, तो इसके कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, ये हो गया इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट और यही रहेगा इसका हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट। This will become E2 cos theta. This will become E2 sin theta. थोड़ा सा और मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में दिखाते हैं, एक्सपेंड करते हैं। देखिए, अगर ये हमारा वेक्टर है तो हम इसके दो कंपोनेंट, एक इसकी वर्टिकल डायरेक्शन को दिखाएगा, एक इसकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन को दिखाएगा। तो ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया क्योंकि ये होरिजन के पैरेलल है, ये वर्टिकल हो क्योंकि हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर है, मींस वर्टिकल के पैरेलल है। इस तरीके से ये हमारे होते हैं, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको साइन थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर ये कॉस थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर जो ये थीटा है, दिस इज द एंगल पी ए बी और पी बी ए, ये जो एंगल है ये थीटा है हमारा। ओके, तो इस तरीके से अभी हमने इसको थीटा मान लिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है कैसे करेंगे, अब आप कहोगे सर आपने इसको थीटा मान ही क्यों लिया, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस थीटा को हम लास्ट एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं किसी तरीके से रिमूव करेंगे, जस्ट अभी कंसिडरेशन के लिए ले लिया है ताकि कैलकुलेशन करके हम इसमें आगे बढ़ सके। ओके, तो इस तरीके से करते हैं, मान लो यही वेक्टर हमारा नीचे की डायरेक्शन में होता तो हमें क्या करना है, एक वर्टिकल जो कंपोनेंट है हमारा वो नीचे की डायरेक्शन में आ गया, डाउनवर्ड आ गया, और हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरीके से लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ओके, सेम वे अगर ये हमारा वेक्टर इस डायरेक्शन में होता तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। इसके अलावा आपका अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में होता तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। आई थिंक आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से हम रिजोल्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं किसी वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए, e1 sin थीटा, e2 sin थीटा, थीटा दोनों के केसेस में सेम है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमारे सभी जो दोनों साइड दोनों पॉइंट्स हैं यहां पर उस जिसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्शन किया गया है उस लाइन के दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होगी दोनों एंड से, एपी और बीपी अपने आप ही बराबर होंगे, सबसे पहली बात। उसके अलावा सॉरी, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्योंकि ये आर्म और ये आर्म बराबर होगी, तो सीधी बात है ये थीटा और ये थीटा बराबर होंगे, इसलिए मैंने इसको एक ही सिंपल वैल्यू दी है थीटा। ठीक है, तो यहां के बाद अब हम आगे इसको ले जाएंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि E1 sin theta, E2 sin theta दोनों ही 180 डिग्री पर है, या मैं कहूं अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो अगर हम देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, थीटा की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब E1 sin theta और E2 sin theta इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसी बात को लिख सकते हैं हम ऑन रिजॉल्विंग E1 एंड E2 into rectangular components we find that E1 sin theta and E2 sin theta
आर इक्वल एंड अपोजिट. सो दे कैंसल आउट ईच अदर. वे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे. अब बचे दो कंपोनेंट्स, E1 cos थीटा एंड E2 sin थीटा. दोनों की सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा, ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे. इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ER से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा. अब देखिए E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर है, तो अब हम क्या करेंगे, दिस विल बिकम 2E1 cos थीटा. ये क्या बन जाएगा हमारा 2E1 cos थीटा. अब यहां पर हम इस वाली वैल्यू को पुट अप कर देंगे तो ये बनेगी 2KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू में cos थीटा. नाउ अब यहां पर cos थीटा आ गया और मैंने आपसे कहा था कि थीटा को हमें रिमूव करना पड़ेगा ताकि, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू दी नहीं जाएगी, तो अब थीटा को रिमूव करने के लिए काम करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रखनी है. तो आपको पता है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज द cos थीटा. तो देखिए यहां पे थीटा एंगल है, इसके जस्ट सामने वाला जो हमारी साइड होगी दैट इज द परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है दैट इज द हाइपोटेन्यूज, और जो बचे हमारे तीसरी साइड दैट इज द बेस. तो इस तरीके से यहां पे बेस क्या हुआ OE, और उसकी लेंथ क्या है हमारी OE आ गया यहां से, इसकी लेंथ क्या है हमारी E. ओके नाउ अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी AP, और AP की डिस्टेंस आपने निकाली थी क्या आया था वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि cos थीटा की वैल्यू a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगी. इसको आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा है, और अगर हम ऐसी छोटी चीजें दिखाएंगे तो हमारा डेरिवेशन बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा. ओके जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा था दैट इज इक्वल टू 2KQ अपॉन ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. अब यहां cos थीटा की वैल्यू आप रखोगे a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. इस तरीके से यहां पे वैल्यू आई है हमारी, देखो यहां पे ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, उसके ही मल्टीप्लाई में अंडर रूट आ गया. अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2. तो इसी को यहां पर हम और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ER इज इक्वल टू 2KQ A अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. ये पावर 1 है, ये 1/2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगी. अब देखिए यहां ऊपर क्या हो रहा है कि क्यू इंटू में 2 इंटू में A, ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये डायपोल मोमेंट. ओके तो हम इसको लिख देंगे के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. इस तरीके से हमारी ये फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया है. अब इसकी हम डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो डायग्राम में इसकी डायरेक्शन जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट साइड में जा रहा है बेसिकली. तो अब जैसा कि हमने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से ही एक्सियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकाली थी, तो सेम वे में डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग ही हम यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे. और आपको बताया डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड. तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, मीन्स डायपोल मोमेंट पी की जो डायरेक्शन है दैट इज इन दिस वे. और यहां पर जो हमारी डायरेक्शन आ रही है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द पी, क्योंकि ये अपोजिट है उसके. ठीक है तो आप देख सकते हो इन अपोजिट डायरेक्शन
टू पी मीन्स डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, आप सबसे पहले इसको इतने को नोट डाउन कर लें, छोटा सा केस आगे हमें बढ़ाना है इसमें, बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको नोट डाउन कर लें, थोड़ा बहुत मुझे रब भी करना पड़ सकता है, यू कैन नोट इट डाउन. सो लेट्स एक्सटेंड इट फॉर द नेक्स्ट स्टेप. देखिए वही यहां पर हमारा एक्सप्रेशन मिला हमें केपी अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. अब इसको हम आगे जनरल केस में देखिए, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था, इन जनरल जनरली 2a इज वेरी वेरी लेस देन r. जो ये डायपोल की जो लेंथ है वो बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू r, जिसे ये पॉइंट की डिस्टेंस होती है उससे, तो उस टाइम पर क्या होगा कि हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे. ओके, तो यहां पर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, ER के एक्सप्रेशन को, यहां से हम a को नेग्लेक्ट कर दे तो क्या होगा, k p अपॉन r स्क्वायर रेज द पावर 3/2, और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा k p अपॉन r क्यूब. देखिए ये r स्क्वायर है, इसकी पावर दोबारा से कर दी तो एक तरीके से ये होगा r की पावर 2 इंटू में 3/2, और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम r क्यूब. तो इस तरीके से हमारे आर क्यू आ गया. तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन. ओके, डायरेक्शन मैंने आपको वही बता दी, अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट. इस तरीके से ये फाइनल डायरेक्शन निकल गई. अब यहीं तक आपको डेरिवेशन करना है, इसके बाद में थोड़े से इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, डेरिवेशन आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा. कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जिससे हमें एक्सप्रेशन को याद करने में आसानी रहेगी. सबसे पहले ई एक्सियल एंड ई इक्विटोरियल बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. आर जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा दोनों में ही. ठीक है, वहां पर हमने शायद एक्स डिस्टेंस यूज किया था तो वहां पर 1/x³ हो रहा था. ठीक है, तो इस तरीके से पहला पॉइंट हमारा बन गया. उसके बाद सेकेंड देखिए, ई एक्सियल की जो वैल्यू आई थी आपको वो याद भी कर लेनी चाहिए, दैट वाज 2kp अपॉन आर क्यूब, ये हमारी उसकी वैल्यू आई थी. और यहां पर ई इक्विटोरियल की जो वैल्यू आ रही है दैट इज kp अपॉन आर क्यूब. तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि यहां पर 2 आया हुआ है, तो यहां से हम कह सकते हैं दैट ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 ऑफ ई इक्विटोरियल. ई एक्सियल जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन वो डबल होती है. ठीक है, किसके, इक्विटोरियल लाइन के, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल होती है. इस तरीके से ये भी हमारा एक नॉट हो गया. और इससे हमें क्या है, अगर आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया तो बस 2 को हटा दो, अपने आप ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी. एक छोटा सा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इसकी डायरेक्शन को लेकर, तो मैं डायरेक्शन भी क्लियर करना चाहूंगा. ई एक्सियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ पी, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था उसी की डायरेक्शन में था एक्सियल, ई एक्सियल जो हमारा निकल का आया था. ठीक है, बट सो ई एक्सियल मेक्स 0° एंगल विद पी, डायपोल मोमेंट के साथ इसका 0° का एंगल हो गया. अब बात आती है इक्विटोरियल के लिए. E equatorial is in opposite direction to
पी. सो ई इक्वेटोरियल हैव 180 डिग्री एंगल विद द पी डायपोल मोमेंट के साथ. तो दोनों ही हमें चीजें समझ में आई कि ई इक्वेटोरियल जो है अपोजिट डायरेक्शन होती है उसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के. तो इस तरीके से वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा. और अगर हम ई इक्वेटोरियल की डायरेक्शन देखें तो दैट मेक्स द 180 डिग्री एंगल विद द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन. और वैसे भी हम देख सकते हैं कि ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल आपस में डायरेक्शन जो होती है उनकी अपोजिट होती है. इस तरीके से आपने फाइंड आउट किया सब कुछ. डबल होता है ई एक्सियल इक्वेटोरियल के, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया. एक्सप्रेशन भी हमें याद हो गया 2KQ/R³, ये हो गया एक्सियल के लिए. वहां पर KQ/R³ हो गया हमारा इक्वेटोरियल के लिए. इस तरीके से आप इस सब कुछ को राइट डाउन भी कर सकते हो यहां तक. उसके बाद इसको एक आप नोट के तौर पे भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो ताकि ये सारी चीजें आपको याद हो जाए. ओके, सो कीप स्टडिंग एंड वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.